सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों की कर्ज माफी करने के चुनावी वादे को अब अमली जमा पहनाने का ठान लिया। कृषि विभाग 2000 करोड़ के ऋण माफी का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे हैं। 2000 करोड़ की कर्ज माफी इसी वित्तीय वर्ष में दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार कृषि योजना भी बना रही है ताकि अन्नदाताओं की आर्थिक तंगी दूर हो सके। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अन्नदाताओं की आर्थिक तंगी होगी दूर, कोरोना काल में कर्ज माफी का इंतजार खत्म। 2000 करोड़ की कर्ज माफी का ब्लूप्रिंट तैयार। झारखंड के अन्नदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी है। कर्ज माफी के इंतजार में जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। कोरोना के इस काल में झारखंड के किसान भले ही भारी मुसीबत में हैं, लेकिन अब किसानों की कर्ज माफी को हेमंत सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसानों को इसी वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ की ऋण माफी देगी। किसान ऋण माफी की जो बात हुई थी 2000 करोड़ की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये शुरुआत है, ये चुनावी वर्ष नहीं है। और शुरुआत से ही बजट जैसे घोषित हुआ, हम कोरोना को भी लेकर आए, हम उससे भी जूझ रहे, आज तक जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से इस राज्य की जनता को कि 2000 करोड़ रुपए का कुल ऋण माफी इसी वित्तीय वर्ष में हम करके दिखाएंगे। झारखंड में राज्य सरकार का फोकस कृषि और किसानों पर है। किसानों को पैरों पर खड़ा करने के लिए राज्य सरकार कृषि योजना बना रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों पर पुरजोर तरीके से फोकस किया है। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी सभी योजनाएं अंतिम चरण में हैं। इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं और अभी हम लोगों ने पुरजोर से कृषि विभाग में फोकस दिया हुआ है और हमारे अधिकतर जो लोग राज्य में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग हैं उनको हम कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसका कार्य योजना तैयार हो रहा है, वो सभी अंतिम चरण पर है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन कृषि योजना को लेकर प्लान बना रहे हैं। वो किसानों की कर्ज माफी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि विभाग ब्लूप्रिंट बनाने में जुट गया है। जल्द ही इसका फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। चंदन, जी मीडिया, रांची।